अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लेट ए ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। ए कोई भी स्क्वेयर मैट्रिक्स है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज ए की दोनों साइड पे वर्टिकल लाइंस लगा के, और ए जो मैट्रिक्स है इसके भी दोनों साइड पे वर्टिकल लाइंस लगा के इसको लिखा जाता है। एंड ऑब्टेन्ड बाय द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल एंट्रीज। जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं उसके प्रोडक्ट का डिफरेंस जो होता है वो डिटर्मिनेंट कहलाता है। लेट्स सपोज ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने फाइंड करना है, तो इसकी ये वाली जो डायगोनल एंट्री है इसके प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे इस डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट में से, तो वो हमारा डिटर्मिनेंट कहलाएगा। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं जिनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो हम उसका जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड नहीं कर सकते। एग्जांपल्स देखते हैं जी। लेट्स सपोज ए एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास, 1 3 2 6, ये मेरे पास एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 6 3। डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं, इसकी इस डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे इस डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट में से। 3 1s are 3, -6 2s are 12, +-12 में से 3 माइनस किए 9, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का लगेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -9। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज बी मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है 1 2 7 9। अब मुझे इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो किस तरीके से फाइंड, इस डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे इस डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट को। 9 1s are 9, -7 2s are 14, +-, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, 14 में से 9 माइनस किए 5, तो बी का डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया जी। तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने देखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड किया जाता है, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी जो दोनों डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है उसको माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाता है। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह निगेबान।